जय हिंद साथियों, आप सभी को हैप्पी धनतेरस एंड आने वाली दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम एक खुशखबरी की बात करेंगे। जो भी इस वर्ष डिफेंस पेंशनर्स और डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों, क्या है वो खुशखबरी, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये 18 आवर पहले डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पेंशनर्स के लिए लिखा कि पेंशनर्स ऑन स्पर्श टू रिसीव इनहेंस्ड डियरनेस रिलीफ टुडे इंक्लूडिंग एरियर्स फ्रॉम July 1st। और 16.66 लाख पेंशनर्स हैं जिसमें ₹551 करोड़ इन्होंने रिलीज कर दिया है डियरनेस रिलीफ के लिए। दोस्तों, प्रोसेसिंग टू रिलीज इन लेस देन ए मंथ, और ये कह रहे हैं कि एक महीने के कम समय में हमने ये काम किया है। और हैप्पी धनतेरस सबको लिखा है और एड्रेस किया इन्होंने PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पोक्स पर्सन MOD डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस ट्वीट में पूरा क्या है समझते हैं। ये ट्वीट है पूरा, यहाँ पर देखिए आप, जैसे डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट रक्षा लेखा विभाग ने ये किया और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 16,66,920 पेंशनर्स ऑन स्पर्स और ₹551.85 करोड़ ऑफ इनहेंस्ड डियरनेस रिलीफ कैलकुलेटेड कंप्यूटेड क्लियर। अब नीचे इन्होंने लिखा, परसुएंट टू द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट ऑन 28 सितंबर टू रिलीज एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ एट द रेट 4% टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स ड्यू फ्रॉम 8 जुलाई 2022, the arrears will be released for all स्पर्श पेंशनर्स टूडे। यानी धनतेरस के दिन उन्होंने ये पैसा रिलीज कर दिया। दोस्तों, जैसा कि 4% हमारा DR इंक्रीज हुआ है, 34 से अब 38% हो गया, उसका जो एरियर बनता है वो आपको रिलीज कर दिया गया है, कल आना शुरू हो जाएगा। और इस अक्टूबर की जो पेंशन है इसमें भी आपका एड होके जो भी बढ़ा है वो आपको मिलेगा। दोस्तों, यह एक अच्छी पहल है, इस पहल की हम स्वागत करते हैं। इसी तरह आने वाले समय में पेंशनर्स का ख्याल रखें, ये हमारी कामना है। आशा करते हैं यदि चैनल में पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।